नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। जैसा आप समझ रहे हो कि अभी हम कंप्यूटर का जो लेक्चर्स बना रहे हैं उसमें 3 लेक्चर पहले से हमने बना लिया है, और ये आज फोर्थ लेक्चर है। इसमें भी फिर हम 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, और इसके बाद आपका लास्ट वीडियो आएगा। तो ये आज का सेकेंड लास्ट वीडियो है, तो ध्यान से सुनेंगे, आपको अच्छी अच्छी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उम्मीद हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, तो अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आता तो हिंदी में समझें, या फिर अगर आप हिंदी में नहीं समझ आते तो आप इंग्लिश में बोल ही रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड SPAM, स्पैम किसको बोलते हैं? इसमें से स्पैम क्या किसे कहा जाता है? डिलीटेड ईमेल को, या फिर अनसॉलिसिटेटेड ईमेल को, या फिर इनकमिंग ईमेल को, या व्यूड ईमेल को? तो स्पैम किसको बोलते हैं? अनसॉलिसिटेटेड ईमेल्स को हम स्पैम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर? ये प्राइमरी नंबर इसमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, क्या 31 नहीं है क्या? 61, 91 या फिर 71? इसमें से आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा ऐसा आंसर है जो कि आपका प्राइमरी या फिर प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन आप जानते हो कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं और कैसे इसको पहचानते हैं, तो उस पर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो इसमें से ऑप्शंस अगर देखो तो बस छोटी सी चीज होती है कि जिसमें दो से ज्यादा डिविजिबल चीजें ना हो, जैसे कि वो अपने नंबर से कट जाए या फिर जो वन से कट जाए। तो अगर उसके अलावा कोई तीसरा उसके पास डिविजिबल ना हो तो ऐसे नंबर्स को प्राइम बोलते हैं। 31, 61, 71, 91। तो इसमें से 31 का भी आपका प्राइम नंबर है, 71 भी प्राइम नंबर है, 61 भी प्राइम नंबर है, 91 प्राइम नंबर नहीं होता, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इन अ स्विच स्टेटमेंट इज? ऑप्शनल होता है, कंपल्सरी होता है, नॉट अलाउड, इट गिवन एरर मैसेज टू चेक एन एरर। सो हिंदी पढ़ते हैं कि स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग क्यों किया जाता है, या फिर उसका क्या प्रयोग है? ऑप्शनल है क्या, कंपल्सरी है क्या, नॉट अलाउड, इट गिवन एन एरर मैसेज? तो ये होता है ऑप्शनल। स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक स्टेटमेंट को लिखना ये ऑप्शनल प्रक्रिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क? इसमें से कौन सा नेटवर्क नहीं है? पैन नेटवर्क नहीं है, लैन, मैन, वैन। तो अभी इससे पहले भी वीडियो में हम लैन की चर्चा किए थे कि ये एक तरह का नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क इसको बोलते हैं, और इसको वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो इसमें से जो पैन ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो है, इसमें किसी तरह का नेटवर्क नहीं होता। कोई चीज हिंदी में लिखी है कि इनमें से कौन सा नेटवर्क का प्रकार ही नहीं है, तो लैन, मैन, वैन, इसको लोग ऐसे भी याद करते हैं, तो यहाँ पे पैन का कोई नामो निशान आता ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डैश वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ एनी स्टेटमेंट ब्लॉक। हिंदी पढ़ते हैं कि डैश वेरिएबल जो किसी स्टेटमेंट ब्लॉक के बाहर घोषित किया जाता है, कि मतलब ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो कि हम स्टेटमेंट ब्लॉक के बाहर करते हैं उसको डिक्लेयर। एरिया होगा, ग्लोबल होगा, लोकल होगा, या फिर रेफरेंस होगा, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल। एस वेरिएबल भी कई टाइप के होते हैं, तो ग्लोबल वेरिएबल जो होता है उसको हम हमेशा स्टेटमेंट ब्लॉक के बाहर करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपका रिलेटेड है, जबकि कोई भी आप लैंग्वेज में जब लैंग्वेज लिखते हो तो उसमें ये चीजें आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम काउंटर क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने है प्रोग्राम काउंटर के बारे में, कि डिसाइडेड विच प्रोग्राम टू रन, कौन सा प्रोग्राम रन करना है उसको डिसाइड करता है। काउंट्स द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट हैव बीन एग्जीक्यूटेड, या फिर कितने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे इसको काउंट करता है। कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, या फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने वाला है उसको उसका एड्रेस कंटेन करता है, या फिर इज वेयर अरिथमेटिक इज डन इन अ कंप्यूटर, या फिर उसको उसको वो चीज कही जाती है जिसमें कि हमारा सारा अर्थमेटिक का कंप्यूटर का जो पार्ट में रखा जाता है उसको। तो प्रोग्राम काउंटर हम कहते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को जो जिसके एड्रेस को जो कंटेन करता है, इसे हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं उसको बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनी डेटा ऑफ इंस्ट्रक्शन एंटर्स इनटू द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज कंसीडर्ड एज, कोई भी डाटा
या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में मेमोरी में कहाँ पर रहता है? क्या वो स्टोरेज में रहता है, आउटपुट में रहता है, इनपुट में रहता है, या फिर इंफॉर्मेशन में रहता है? तो एनी डेटा ऑफ इंस्ट्रक्शन एंट्रेंस इनटू द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, उसको हम बोलते हैं स्टोरेज। ठीक है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आउटपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि आउटपुट डिवाइस नहीं है? स्कैनर, प्रिंटर, फ्लैट स्क्रीन, या फिर टच स्क्रीन। इसमें से आउटपुट डिवाइस जो नहीं है वो है आपका स्कैनर, जो कि ऑप्शन ए सही है, और इसमें से आपका फ्लैट स्क्रीन आप जानते ही हो, प्रिंटर भी जानते हो, और टच स्क्रीन भी आपका, आपको पता है ये सारी चीजें आपकी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जबकि आपका स्कैनर जो होता है वो आपका आउटपुट डिवाइस नहीं होता। पर्सनल कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म सर्वर, सुपर कंप्यूटर, एंटरप्राइज, या फिर नेटवर्क। क्वेश्चन था कि पर्सनल कंप्यूटर आपस में जुड़कर क्या बनाता है? सर्वर बनाता है क्या, इंटरप्राइज बनाता है, या फिर नेटवर्क बनाता है, या फिर सुपर कंप्यूटर बनाता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है कि नेटवर्क बनाता है। चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डैश डॉक्यूमेंट। एक मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना क्या कहा जाता है? इसको क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं, या फिर एडिटिंग बोलते हैं, मॉडिफाइंग बोलते हैं, फिर एडजस्टिंग बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एडिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। आप भी जानते हो कि किसी भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसमें हम जो भी कमियां होती हैं या फिर कुछ एडिट करना चाहें तो उसको हम एडिटिंग डॉक्यूमेंट ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है कि विच ऑफ दीज कीवर्ड इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। इनमें से कौन सा कीवर्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग का भाग नहीं है? ट्राई, फाइनली, थ्रोन, या फिर कैच। तो इनमें से कौन सा कीवर्ड जो है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट नहीं है? तो वो आपका थ्रोन है, जबकि ट्राई, फाइनली, और कैच जो है, ये सारे चीजें एक्सेप्शन हैंडलिंग के पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है आपका है थ्रोन, जो कि ऑप्शन सी है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी नीड रिफ्रेश, इसमें से ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको हम रिफ्रेश की जरूरत पड़ती है? एस आर ए एम है, डी आर ए एम है, या फिर रोम है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से किस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है? तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है डी आर ए एम है। और कभी आप अगर कमेंट करते हो तो इसको हम अलग से पूरा कैसे मेमोरी स्टोर करते हैं, कौन सा कैसा होता है, सारे इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर से रिलेटेड इसको हम अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अभी के लिए आप जानते हो कि डी रैम जो होता है उसमें रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आल्सो नोन एज, पांचवें जनरेशन के कंप्यूटर को जाना जाता है नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के नाम से, या फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के नाम से, या फिर बोथ ऑफ अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर है नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है क्या? पहले जैसे कि कंप्यूटर का जो पहला जनरेशन आया था उसमें केवल काउंटिंग के लिए जाना जाता था, इसी तरह से जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, प्रोग्रेस होता गया, तो अब जो नया स्वरूप है पांचवा जनरेशन, उसमें हम उसको नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के तौर पर जानते हैं, यूज भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द लिमिटेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें से क्या हाई लेवल लैंग्वेज का लिमिटेशन है इसको देखेंगे? लो इफिशेंसी, मशीन डिपेंडेंस, या फिर मशीन लेवल कोडिंग, या फिर नन ऑफ अबव। हिंदी में पढ़ते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज की सीमा क्या है, मतलब लिमिटेशन क्या है? क्या उसकी लो इफिशेंसी होती है, मशीन डिपेंडेंसी होती है, या फिर मशीन लेवल कोडिंग होती है, या फिर नन ऑफ अबव। तो ऑप्शन ए है जो लो इफिशेंसी, इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद ISDN स्टैंड फॉर, कंप्यूटर से रिलेटेड अगर कोई टर्म ISDN होता है कहीं पे उसको हम क्या बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्या वो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है, इंटीग्रेटेड सिस्टम डिजिटल नेटवर्क होता है, या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिजिटल नेटवर्क होता है, फिर नन ऑफ अबव। ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शॉर्टकट की टू डिलीट फाइल द फोल्डर, किसी फोल्डर में अगर फाइल है उसको डिलीट करना है तो कैसे करोगे? तो आप शिफ्ट प्लस डिलीट दबाओगे, या फिर कंट्रोल प्लस डिलीट, या फिर ऑल्ट प्लस डिलीट, या फिर ऑल ऑफ द अबव, सब सही है।
सो डिलीट करने के लिए जो सही ऑप्शन है वो ये है कि शिफ्ट प्लस डिलीट करते हो तो शॉर्टकट की वो है इसी में डिलीट करने के लिए फाइल को। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वन ऑफ थ्री मेल मर्जर हेल्पर स्टेप। चार ऑप्शन है आपके पास कि मर्ज द टू फाइल्स, क्रिएट द मेन फाइल, मेल डॉक्यूमेंट मेन डॉक्यूमेंट, सेट द मेलिंग लिस्ट पैरामीटर्स, या फिर क्रिएट द डेटा सोर्सेस। तो इसमें से है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मेल मर्ज हेल्पर के तीन स्टेप्स में नहीं है। तो हिंदी में भी ऑप्शन वही रहेंगे कि मर्ज द टू फाइल्स, दो फाइल को मर्ज करना, या फिर क्रिएट द मेन डॉक्यूमेंट, या फिर सेट द मेलिंग लिस्ट पैरामीटर्स, ठीक है क्या, या फिर क्रिएट द डेटा सोर्सेस। तो ऑप्शन सी सेट द मेलिंग लिस्ट पैरामीटर्स इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द वन ऑफ द थ्री मेल मर्जर हेल्पर है। अगला है कि बैकग्राउंड इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन अ डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन, बैकग्राउंड इफेक्ट किसमें विजिबल नहीं होता, डॉक्यूमेंट में लागू किए गए बैकग्राउंड इफेक्ट नहीं दिखाई देते। इसमें से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि बैकग्राउंड इफेक्ट दिखता ही नहीं है, जैसे कि प्रिंट लेआउट, प्रिंट प्रीव्यू, या फिर वेब लेआउट व्यू, या फिर रीडिंग व्यू। जब आप प्रिंट प्रीव्यू करते हो तो उसमें बैकग्राउंड इफेक्ट नहीं दिखता है, जबकि अन्य सभी चीज़ों में जब आप प्रिंट लेआउट देखते हो या वेब लेआउट व्यू देखते हो या फिर रीडिंग व्यू देखते हो तो उसमें दिखता है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रोसेस स्टेटेड, इसमें से कौन सा प्रोसेस स्टेट नहीं है, रेडी, न्यू, रनिंग, या फिनिश्ड। तो रेडी होना भी एक प्रोसेस का हिस्सा है, न्यू होना भी, रनिंग भी, लेकिन फिनिश्ड ये ऐसा ऑप्शन है जो कि प्रोसेस स्टेट का हिस्सा नहीं है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इन यूनिक्स विच सिस्टम कॉल क्रिएट्स द न्यू प्रोसेस, यूनिक्स में कौन सा सिस्टम कॉल नया प्रोसेस तैयार करता है, क्रिएट, या फिर फोर्क, या फिर न्यू, या फिर नन ऑफ एबव। तो फोर्क एक ऑप्शन होता है जिस यूनिक्स में ऑपरेटिंग सिस्टम में जिसमें कि वो किसी भी सिस्टम को कॉल करता है क्रिएट करने के लिए नए प्रोसेस को, ठीक है क्या। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अब इसके बाद का जो वीडियो होगा वो आपका लास्ट वीडियो होगा इस सीरीज का, प्लेलिस्ट का। तो हम ऐसे कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहेंगे, और आपके डिमांड अगर आपको कुछ होती है या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है तो वो भी आप हमसे क्लियर कर सकते हो, और कोई भी सुझाव होता है तो उसको भी आप बता सकते हो। धन्यवाद।